नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। आईपीएल इस वक्त दुनिया की सबसे पॉपुलर टी20 लीग है। सबसे ज्यादा लोग इसको पसंद करते हैं, सबसे ज्यादा हाइप आईपीएल को मिलता है। लगातार दुनिया के कई देशों के खिलाड़ी भारत में आते हैं और आईपीएल खेलते हैं। जितना पॉपुलरिटी, जितनी ज्यादा लोग इसको पसंद करते हैं, अब उसको देखते हुए दुनिया के जो बाकी देश हैं वो भी इस राह पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। आईपीएल को के जो रास्ता है उसको आजमाने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद उनको भी कामयाबी मिल जाए। और अब इसी को देखते हुए आईपीएल की राह पर चलते हुए दक्षिण अफ्रीका बहुत बड़ा फैसला ले रहा है और एक बहुत बड़ा कदम दक्षिण अफ्रीका ने उठाया है। दरअसल दक्षिण अफ्रीका ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो होने वाली वनडे सीरीज है उसको खेलने से मना कर दिया। तो इसके कई सारे रिएक्शन सामने आ रहे हैं, जो कि दक्षिण अफ्रीका को पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, ऑस्ट्रेलिया को पॉइंट्स मिलेंगे, जिसके आधार पर दक्षिण अफ्रीका का वनडे जो विश्व कप होना है उसमें क्वालिफायर करने में मुश्किल आएगी। लेकिन इसके पीछे का जो वजह दक्षिण अफ्रीका ने बताई वो ये बताई कि वो अपनी टी20 लीग शुरू करने जा रहे हैं, उसके लिए खिलाड़ियों को प्रिपरेशन करना है और उसके लिए सब खिलाड़ी उपलब्ध हैं, इसीलिए वो इस सीरीज को खेलने से मना कर रहे हैं। ये दक्षिण अफ्रीका ने सीधा सीधा बताया है कि वो अपनी टी20 लीग की तैयारियों के लिए इस सीरीज को नहीं खेलेंगे। उन्होंने हालांकि ऑस्ट्रेलिया बोर्ड से ये भी कहा था कि आप इस सीरीज को रिशेड्यूल कर दीजिए, बाद में खेल लेंगे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया बोर्ड ने मना कर दिया। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि दक्षिण अफ्रीका आखिर क्यों अपने टी20 लीग के लिए इस सीरीज को छोड़ रहा है, क्योंकि अगर इस सीरीज को दक्षिण अफ्रीका छोड़ देगा तो जाहिर तौर पर वो आने वाले वनडे विश्व कप में क्वालिफायर सीधे सीधे तौर पर नहीं कर पाएगा, ये दक्षिण अफ्रीका को पता है। लेकिन उसके बावजूद आईपीएल की कामयाबी को देखते हुए, आईपीएल की शोहरत को देखते हुए दक्षिण अफ्रीका ये कदम उठाने वाला है और दक्षिण अफ्रीका भी अब आईपीएल की राह पर चलते हुए, आईपीएल की तर्ज पर चलते हुए अपने देश में टी20 लीग शुरू करने जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया से खेलने के बाद, ऑस्ट्रेलिया के खेलने के पीछे मना उनका करने का रीजन यही था, वो ऑस्ट्रेलिया के साथ इसीलिए नहीं खेल रहे हैं क्योंकि वो अपनी टी20 लीग शुरू करने जा रहे हैं। तो दक्षिण अफ्रीका ने जिस तरीके से इस टी20 लीग शुरू करने के लिए ऑस्ट्रेलिया से खेलने से मना किया है, इस फैसले पर आपका क्या कहना है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के लिए मुश्किल आएंगी, दक्षिण अफ्रीका के सामने परेशानियां आएंगी, और क्या आईपीएल की तरह दक्षिण अफ्रीका की ये टी20 लीग भी आपको लगता है कि कामयाब हो पाएगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो चलेगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।